हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आप लोगों के साथ एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। अगर हम बात करें तेरे बिन ड्रामा की, तो तेरे बिन फैंस अब ये ड्रामा सिर्फ और सिर्फ वहाज अली के लिए देख रहे हैं। और अगर हेट की बात की जाए, तो वो ड्रामे में सिर्फ और सिर्फ अब मीरब के करेक्टर को मिल रही है, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि ये मीरब का करेक्टर है जो कि वो बहुत ज़्यादा बुरी हरकतें कर रही है, वो अपने रिश्ते को सही करना ही नहीं चाहती है। जब ड्रामा स्टार्ट हुआ था तो सब लोग हया को बुरा कह रहे थे, उसके करेक्टर्स के बारे में बहुत ज़्यादा कमेंट होते थे। लेकिन अगर हम बात करें, जहाँ पर भी हम कमेंट्स देखें ड्रामे के एपिसोड्स के नीचे भी, तो अब मीरब के करेक्टर को कह रहे हैं कि वो अपना रिश्ता खुद ठीक नहीं करना चाहती है, जबकि जो मुर्तजिम है वो तो अब उसको ढूंढने के लिए क्या क्या कुछ ही कर रहा है। उसने ही बल्कि अपनी उन फैमिली से भी झूठ बोल दिया है कि उसने उन्होंने ये बताया है कि मुर्तजिम मेरा हस्बैंड नहीं है, बल्कि उसके साथ मेरी शादी हो रही थी और मैं वो शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं वहाँ से भाग कर आई हूँ। तो ये खैर स्क्रिप्ट लिखने वालों ने बहुत ही गलती की है, क्योंकि कभी बैठकर मीरब मुर्तजिम को याद कर रही होती है, लेकिन फिर उसे वापस जाना भी नहीं है। वो पहले हमें यही बात समझ नहीं आई कि वो उसने घर छोड़ा क्यों है। अगर फॉर एग्जांपल उनका कॉन्ट्रैक्ट टूट भी गया है तो इसमें क्या है? वो उसने कॉन्ट्रैक्ट, खैर उसने अपना घर छोड़ दिया है। और अगर हम लेटेस्ट प्रोमो की बात करें, तो वहाँ पर जो है मुर्तजिम वो माँ बेगम से कह रहा है कि वो कभी भी तलाक नहीं देगा मीरब को, बल्कि वो अपनी गद्दी छोड़ देगा, क्योंकि वो ये कर सकता है लेकिन वो मीरब को तलाक नहीं दे सकता। और दूसरी तरफ उसने हया की भी इंसल्ट कर दी है कि तुम मेरे कमरे से दूर हो वरना मैं तुम्हें इस घर से दूर कर दूंगा। यहाँ पर जो फैंस हैं वो बहुत थोड़े खुश हुए हैं, क्योंकि ऑफिशियली इंसल्ट हो गई है हया की मुर्तजिम से, क्योंकि ये पहले इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, उसने उस पर उंगली भी उठाई थी। खैर ड्रामा तो चलता रहे, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी वीडियोस आपके सामने आती रहें और मेरे डेली के व्यूअर्स बन जाएं आप लोग। हम लोग फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैं बिहाइंड द सीन भी शेयर कर रही होती हूँ।